आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे आपके एसएससी जे एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इसके जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो हमने सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। इसके अलावा जो भी और सब्जेक्ट का हमने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि बायोलॉजी की बात करें या फिर प्रीवियस ईयर जो साइंस सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी का आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के हुए हैं तो उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और थ्योरी और क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, तो वो सभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो लेक्चर आपका होगा आज का, ये इसका लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जो आरबीआई है वो ये सारे मेजर्स को कंट्रोल करती है और इसके थ्रू बैंकों को गवर्न करती है या फिर उनको कंट्रोल करती है, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए इकोनॉमिक्स का जितना भी हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो उसके सारे पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चन जो भी हमने कराया हुआ है क्लास में, तो उसका भी हमने एक अलग से पीडीएफ बना दिया है जो कि हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसको भी बाय कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई एक, जैसे कि कोई भी सेंट्रल बैंक हो किसी भी इकोनॉमी का, यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे कौन सा सेंट्रल बैंक, आरबीआई है। तो आरबीआई ये क्या करेगा, यहाँ पे अपना मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा और उसको यूज़ करते हुए एक प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा इकोनॉमी के अंदर में, तो जिससे कि प्रॉपर ग्रोथ हो इकोनॉमी का। अब देखिए यहाँ पे जो भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है वो, तो जो भी उसके एक्ट में मेंशन रहता है और उसके जो भी गोल्स होते हैं तो उन सभी को देखते हुए ही ये यूज़ करती है। तो जैसे कि इंडिया में आरबीआई है जो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको कंडक्ट करने के लिए। तो देखिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी सेंट्रल बैंक होता है किसी भी इकोनॉमी का या फिर कंट्री का, तो उसका मेन मोटो होता है कि प्राइस को स्टेबल रखना, यानी कि मार्केट के अंदर में प्राइस एक स्टेबल होना चाहिए और साथ में ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि ग्रोथ भी होना चाहिए इकोनॉमी का। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस को मेंटेन करके रखे और ग्रोथ हो ही ना, तो ये चीज़ मेन दो चीज़ इनको ध्यान में रखना रहता है। सबसे पहला मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि ग्रोथ करना इकोनॉमी का, तो जिसमें कि प्राइस स्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर होती है। तो प्राइस स्टेबिलिटी ही एक सबसे पहले प्री कंडीशन होता है, एक नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट होती है, यानी कि ये जरूरी होती है जिससे कि ग्रोथ को देखा जा सके या फिर उसको मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए जो इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में क्या क्या यूज़, बहुत सारे डेव टेक्निक्स है या फिर जो वो टूल्स होते हैं कि जो कि किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको दो कंडीशन में दो तरह से इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए एक टूल होता है क्वांटिटेटिव टूल और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर क्या है, क्वांटिटी का मतलब होता है कितना क्वांटिटी का, यानी कि ये परसेंटेज में हो सकता है या नंबर में हो सकता है, तो इसके अंदर में बहुत सारे मेजर्स लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर में, जैसे रिजर्व रेशियो का हो गया, तो रिजर्व रेशियो के अंदर में आपका सीआरआर होता है और एसएलआर होता है। तो ये क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे अभी डिटेल में, बस आप लोग ये देख लीजिए कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर में क्या क्या चीज़ होते हैं जिनके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी जो है गवर्न की मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा जो अगला है रेपो रेट है, फिर देखिए रिवर्स रेपो रेट है, उसके बाद फिर एलएएफ है और एमएसएफ है, फिर उसके बाद बैंक रेट है, और उसके बाद फिर देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो ये सारे जो टूल्स है जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर में आते हैं, तो कोई भी सेंट्रल बैंक होती है किसी भी इकोनॉमी का तो वो सारे ये मेजर्स को अप्लाई करती है अपना जो प्राइस मेंटेन प्राइस को मेंटेन करने के लिए या फिर जो ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी है इसके अंदर में। अब देखिए अगला जो है क्वालिटेटिव टूल्स है, तो इसको हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब होता है कि इसमें डायरेक्ट एक्शन लेके जाना, यानी कि खुद ही जो है जो भी ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी रहेंगे तो वो खुद जाके लोगों को डायरेक्टली एक्शन लेंगे उनके ऊपर, या फिर उनको मॉरल सजेशन देंगे कि हाँ तुम क्यों प्राइस को बढ़ा रहे हो या क्यों ऐसी कर रहे हो। तो ये सारे चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा, जैसे अभी कंडीशन की हम बात करें, अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि प्राइस को बढ़ा देते हैं अपना जमाखोरी करके। तो ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा जो क्वालिटेटिव टूल्स है, कि वो बाहर निकल के खुद ही अपने ऑफिसर से कहे कि वो जाके चेक करे हर जगह करे कि जैसे वो एक्शन ले कि वो क्यों लुका रहे क्यों रख रहे हैं अपना छिपा के रख रहे हैं, या फिर नहीं माने तो उनको फिर जैसे जुर्माना लगाया, जो भी एक्शन ले सके वो ले सकते हैं, और या फिर मॉरल सजेशन दे के, यानी कि उनको मॉरल सजेशन दे के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर में, क्योंकि देखिए जो प्राइस जो बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ये सारा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में, और वो भी जो बिजनेसमैन है जो रन करते हैं अपना बिजनेस,
तो उनके लिए ये सारे मेजर्स अब ये लिए जाते हैं किसी भी बैंक या फिर जो जो भी मैं ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो उनके द्वारा ली जाती है। अब यहाँ पे मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहता है तो इन्हीं के ऊपर में आपका अधिकतर आता है और इसी का आपको स्टडी भी करना है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स का जितने भी यहाँ पर दिया है उसको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजर्व रेशियो के बारे में, तो जिसमें आपका पहला है कैश रिजर्व रेशियो, तो इसको शॉर्ट में हम लोग CRR भी बोलते हैं हम लोग, तो ये आप लोग फुल फॉर्म भी इसका याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है, तो ये आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, तो यानी कि कोई भी कमर्शियल बैंक है तो उसके जो भी डिपॉजिट्स होते हैं अपने कस्टमर के थ्रू, कोई भी बैंक है तो उसके कस्टमर होंगे ही, तो वो जितना भी डिपॉजिट्स करते हैं तो उसके डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा जो है वो RBI के पास जमा करके रखनी पड़ती है, और वो भी किसके फॉर्म में, तो कैश के फॉर्म में होना चाहिए या फिर डिपॉजिट्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए ये जो रिजर्व रेशियो रहता है तो ये परसेंटेज में रहती है, तो जनरली RBI जो है ये टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहती है। तो अभी हम करेंट की बात करते हैं, एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज हम बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, तो ये अभी करेंट में 3% है। आपको ये बाद में यदि आप देखते होंगे 4 महीने या 6 महीने के बाद, तो आपको मे बी ये डिफरेंट आपको देखने को मिले, लेकिन अभी ये 3% है। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई भी बैंक है, यदि उसके पास सपोज कि 100 करोड़ रुपीज़ का एक दिन का यदि उसके पास जमा होता है, तो उसको 3% जो है वो CRR के फॉर्म में उसको रखनी पड़ती है, ताकि वो सेंट्रल बैंक को यानी कि जो RBI है उसको वो दे सके। अब देखिए यहाँ पे जो CRR है तो ये मेंटेन किया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा, कोई भी कमर्शियल बैंक हो तो उसको NDTL के बेसिस पे रखनी पड़ती है। NDTL का मतलब है कि नेट डिमांड और टाइम लेबिलिटीज़। तो NDTL में देखिए जो ND है इसका मतलब है कि नेट डिमांड, तो इसमें अंदर में आपका जो अकाउंट रहता है जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और जो टाइम लेबिलिटीज़ है तो इसमें जैसे फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, तो इन दोनों को मिला के ही जिसमें भी आपका जो पैसे आप डिपॉजिट करते होंगे, तो इन सभी को मिला के रखना पड़ता है उसको CRR के फॉर्म में, जो कि अभी कितना है 3% है। तो अब देखिए जो इसमें मेन ये चीज़ रहता है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है CRR के लिए, यानी कि यदि बैंक CRR का 3% यदि सेंट्रल बैंक को देते हैं तो सेंट्रल बैंक जो है यानी कि जो RBI है तो वो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, वो उसको कैश रखना ही है उसके पास। तो ये चीज़ आप लोग आप समझ गए होंगे। फिर अगला देखिए स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, तो देखिए जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो इसको शॉर्ट में हम लोग SLR भी बोलते हैं हम लोग, तो ये देखिए वो एक रेशियो है यानी कि वो एक परसेंटेज ऑफ फंड्स है जो कि बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने पास ही। अब वो कैसा होना चाहिए, तो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में होना चाहिए एक निश्चित एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर में। तो देखिए जैसे कि कैश जब रेशियो होती है यहाँ पे कैश के फॉर्म में रखना पड़ता था, लेकिन जो ये जो SLR है तो यहाँ पे उसको लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए जो लिक्विड एसेट्स वो क्या क्या हो सकते हैं जो कि बैंक को खुद ही अपने अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो वो यहाँ पे चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, या फिर बॉन्ड, या फिर कोई भी प्रीसियस मेटल्स हो गया, या फिर कैश के फॉर्म में ही हो गया, तो किसी भी फॉर्म में जो लिक्विड एसेट्स होना चाहिए वो बैंक है रख सकता है। तो यहाँ पे कितना रेट है अभी SLR का, अभी हम करंट की बात करते हैं तो यह है 18.25% है एट प्रेजेंट की हम बात करें तो। अब ये मे भी आपका चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम, तो मे भी आपको बाद में जो भी मिले तो आप लोग RBI से देख सकते हैं जाके, हमने वहीं से ये सारे डेटा लिया हुआ है, तो जो भी रेट रहते हैं पॉलिसी रेट के अंदर में तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब देखिए जो SLR जो रहता है तो ये भी बैंक के द्वारा मेंटेन करना पड़ता है NDTL के बेसिस पे, और ये भी डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे SLR यदि बैंक डिपॉजिट करके रखती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, लेकिन जो कैश से जब रेशियो इस पर कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलती है, तो यही दो चीज़ है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब देखिए जो कैश जब रेशियो है या फिर SLR है तो ये क्यों सेंट्रल बैंक के द्वारा ये फिक्स की जाती है कि आपको इतना रखना ही है अपने पास, इसके पीछे रीजन होती है कि सपोज कोई बैंक है यदि वो डूब जाता है किसी भी कंडीशन में, तो वो तो पैसा जैसे कि पब्लिक का ही रहता है यानी कि जो भी लोग हैं उन्हीं का रहता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बैंक कुछ धोखाधड़ी कर देते हैं, लोन बांट देते हैं अंधाधुंध किसी को भी, तो जब वो पूरा पैसा ही किसी को बांट दे तो जब बैंक यदि डूब जाएगा दिवालिया घोषित हो सकता है किसी भी केस में, तो RBI क्या करता है कि जो भी 3% CRR है या फिर जो SLR है यहाँ पे, तो इसी परसेंटेज ऑफ मनी में से ही वो क्या करेगा कि जिनका भी अकाउंट का जो भी अकाउंट रहेगा वो किसी भी बैंक का पर्टिकुलर उस बैंक का, तो उनको बाद में कुछ हिस्सा तो लौटा सकता है, पूरा तो नहीं रिटर्न करेगा लेकिन कुछ परसेंट जो है उसको रिटर्न जरूर कर सकता है। तो इसीलिए कैश जब रेशियो और SLR जो रहता है बैंकों को मेंटेन करके रखनी पड़ती है।
और ये चीज़ आप लोग इसको अच्छे से समझना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो इसके यदि कम या ज़्यादा होने से भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ती है इकोनॉमी के अंदर में। यदि ये सारे जो रेट है यदि बहुत ज़्यादा रहेगा, तो यदि बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे सपोज कीजिए कि अभी कैश रिजर्व रेशियो 3% है, लेकिन इसको यदि बढ़ा के 5% कर दिया जाए तो क्या होगा, बैंकों को अधिक से अधिक पैसा जमा करना होगा RBI के पास, तो उसके पास बहुत ही कम पैसा रहेगा कि वो लोन लोन के रूप में वो दे सके लोगों को, जैसे और भी कॉरपोरेट को वो प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे क्या होगा कि मनी की कमी हो जाएगी मार्केट के अंदर में, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ में कमी आ जाएगी। तो इसी कारण है कि जो RBI है इसको टाइम टू टाइम देखते रहती है कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे होंगे कि जैसे कोरोना वायरस के इफेक्ट के चलते इकोनॉमी अभी क्या है कि सभी का तो ध्वस्त हो ही गया होगा, बिजनेस बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि चौपट हो ही गया होगा एक तरीके से। तो इस समय क्या होगा कि मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ही कम होगी। तो इसी कारण जो RBI है इसने अभी जैसे CRR का या फिर SLR का इन सभी का जो रेट है उसने घटा दिया है, ताकि बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, ताकि वो पैसा लोगों को ज़्यादा दे सके लोन के रूप में। यदि लोन के रूप में पैसा ज़्यादा होगा बैंकों के पास देने के लिए, तो क्या होगा इससे कि डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे। तो इस कारण से जो है RBI टाइम टू टाइम ये अपना मैनेज करते रहती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये अब आइए हम लोग पॉलिसी रेट के बारे में देखते हैं, जिसमें कि आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए रेपो रेट किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये एक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है कि जिसपे कि जो RBI है यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो ओवरनाइट लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी बैंक को। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कोई बैंक है यदि उसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, कि जैसे कि उसके पास लोन लोन देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर उसके पास जैसे SLR या CRR मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है जो कि उसको रखना पड़ता है, तो उस सभी को बैलेंस करने के लिए यानी कि अपना जो लिक्विडिटी है वो एडजस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, RBI से मनी बोरो करेगा ताकि वो लोन दे सके या फिर ये जो कोटा होता है SLR या CRR को वो मेंटेन करके रख सके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लोन जो RBI से मिलेगा उसको तो फ्री मिलेगा, यहाँ पे उसको रेट देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है चार्ज चुकाना पड़ता है। तो अभी करेंट की हम बात करें तो अभी है 4.40%, यानी कि कोई भी बैंक है यदि उसने पैसे लिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, तो उसको जो लोन उसने लिया तो वो तो उसको देना ही है, साथ में 4.40% के साथ में उसको इंटरेस्ट भी पे करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसमें देखिए कोई भी बैंक होता है तो उसको सबसे पहले एक कोलेटरल एग्रीमेंट रखना पड़ता है, यानी कि कोलेटरल के रूप में, तो वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया या इसके अलावा और भी कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होते हैं, तो वो चीज़ जो है जमा करनी पड़ती है। और जब रिटर्न करना होता है पैसे को वापस, जब वो रिटर्न करना पड़ता है, तो उस समय क्या करेगी यहाँ पे कि जो कमर्शियल बैंक है तो उनको जो भी कोलेटरल लिया गया था उनसे, तो जो बैंक है वो वापस कर देती है सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि रेपो रेट जो है ये अगर हाई होगा, सपोज़ अभी 4.40% है, तो ये यदि इसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा इससे कि कमर्शियल बैंक जो है तो उनको पैसे लेना RBI से महंगा हो जाएगा, और जब वही महंगा पैसा वो लेंगे वहाँ से, तो लोगों को भी जो लोन वो देते हैं तो वो भी महंगा ही देगा बैंक, क्योंकि वो कहेगा कि हमें भी तो पैसे महंगे मिल रहे हैं, मतलब कि महंगे रेट से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो लोग जो लोन जो लेते हैं तो वो कम लोन लेंगे, तो अब वो कम लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएगा, अब लोगों के पास पैसे कम होगा तो वो खर्च कम करेंगे, तो इससे क्या होगा इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए जो रेपो रेट है तो इसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है, ताकि जो मार्केट के अंदर में जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे। यदि ये रेपो रेट हाई रहेगा तो जो बैंक क्या होगा वो कम पैसे रहेंगे उसके पास देने के लिए लोगों को, अगर ये कम रहेगा, ये अगर कम रहता है तो लोगों को पास पैसे देने के लिए बैंकों के पास ज़्यादा रहेंगे, तो वो ज़्यादा पैसे देंगे और लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इस तरीके से ये मेंटेन किया जाता है, और आप लोग देखते भी होंगे कि टाइम टू टाइम जो है ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू भी होते रहते हैं। और अभी कोरोना वायरस के चलते आप जान भी रहे होंगे कि अभी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन चल रही है, तो इसीलिए जो है रेपो रेट को घटा दिया गया है, जो कि अभी कितना है 4.40% है। तो ये आपका टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो ये चीज़ आप लोग इसको देखते रहना। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका आता है MSF का, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। तो ये क्या होता है हम लोग समझते हैं इसको, तो देखिए ये एक ऐसा फैसिलिटी होता है कि जिसके अंदर में जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं तो वो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी को बोरो कर सकते हैं RBI से। अब यहाँ पे एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ये वो मनी हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कि उनको SLR कोटा मेंटेन है या फिर और भी सारी चीज़ मेंटेन है, यदि उनको और भी एडिशनल अमाउंट चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं भी रिक्वायरमेंट है, तो यदि उनको चाहिए तो वो MSF कोटा के थ्रू लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है
कि जैसे उनको कितना भी मिल जाए, तो ये डिपेंड करता है उनका उनका SLR कोटा कितना है। तो जितना उनका SLR कोटा रहता है तो उन्हीं के बेसिस पे है जो MSF उनको उनको दी जाती है। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको भी पे करना पड़ता है जितने भी बैंक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो MSF अभी जो है इसका, तो वो है 4.65% है। तो ये रेट आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पे MSF और रेपो रेट है, तो दोनों में तो पैसे ही ले रहे हैं, मतलब कि जो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है RBI से, तो दोनों में डिफरेंस फिर क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो रेपो रेट के यदि हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो मिनिमम अमाउंट देने की होती है तो वो है 1.5 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर में जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है, तो वो मिनिमम इतना तो उनको लेना ही होगा। और इसके ऊपर मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी ले सकते हैं। लेकिन जो MSF है तो इसके अंदर में मिनिमम अमाउंट जो वो लेना रहता है उनको, तो वो 1 करोड़ रुपीज़ है। और देखिए यदि हम रेपो रेट की बात करते हैं, तो रेपो रेट के थ्रू कौन कौन पैसे ले सकते हैं RBI से, तो इसके अंदर में जितने भी RBI के क्लाइंट होते हैं तो वो सारे लोग रेपो रेट के थ्रू पैसे ले सकते हैं। तो इसके अंदर में देखिए कौन कौन से क्लाइंट क्लाइंट होते हैं जो RBI के हैं, तो जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक हो गया, इसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट है तो ये भी क्लाइंट होते हैं RBI के, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं या फिर जो NBFI हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये सारे जो हैं इसके क्लाइंट होते हैं। तो ये सभी जो है पैसे ले सकते हैं रेपो रेट के थ्रू। लेकिन जो MSF है तो ये केवल ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही ये दिया जाता है MSF कोटा के थ्रू। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, और वो भी SLR कोटा के बेसिस पे दी जाती है। ऐसा नहीं कि SLR कोटा उनका जैसे कि जितना होगा तो वो उससे ज़्यादा उनको मिल जाए, तो वो उनको SLR कोटा के बेसिस पे मिलती है। फिर देखिए अगला है बैंक रेट है। तो देखिए बैंक रेट हम लोग उस रेट को बोलते हैं हम लोग कि जिसके थ्रू RBI जो है वो पैसा देती है जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको। तो ये देखिए जो पैसा इसमें दी जाती है कोई भी कमर्शियल बैंक है, तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए दी जाती है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि जो जो बैंक रेट के बेसिस पे दिया तो ओवरनाइट फैसिलिटी के लिए वो दी जाती है या फिर वो कुछ दिनों के लिए दी जाती है। लेकिन जो बैंक रेट से यदि कोई बैंक है, कमर्शियल बैंक है, यदि वो लोन लेती है RBI से, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए दी जाती है उनको। और इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं रखना होता है, यानी कि ये कैसा होता है, कोलेटरल फ्री लोन होती है। इसमें कोई भी गारंटियर उनको नहीं रखना पड़ता है बैंकों को RBI के थ्रू, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको नहीं देनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से क्या है, कोलेटरल फ्री लोन है। अब जैसे कि आप लोग भी बैंक से लोन लेते होंगे तो आपसे भी वो कोलेटरल आपके पास आपसे जमा करवाते होंगे, अपना चाहे बैंक, आप चाहे अपना जैसे कोई खेत है तो उसका रसीद आप जमा कीजिए या फिर कोई गारंटियर आप रखिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे मांगी जाती है आप लोन लेते होंगे तो उसी तरीके से जो रेपो रेट से कोई भी बैंक है तो वो लोन लेती है, तो उनसे भी मांगा जाता है कोलेटरल चीज़ को भी रहता है। लेकिन जो बैंक रेट से यदि वो लोन लेते लेते होंगे तो उनमें कोई भी कोलेटरल फ्री, जैसे कोलेटरल फ्री होती है उनको कोई भी नहीं देनी पड़ती है गारंटियर किसी चीज़ का। तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक मेन टूल होता है। और ये इसीलिए क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ उनको सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में नहीं रखनी पड़ेगी बैंकों को अगर RBI के पास में, तो वो क्या होंगे, पूरी तरह से वो फ्री रहेंगे लोन बांटने के लिए। क्योंकि उनको पहले क्या होगा, रिस्क रहेगा, उनको ये भी डर रहेगा कि जैसे यदि हमारा पैसा डूब जाता है तो जो हमारा पैसा RBI के पास हमने लिया हुआ है RBI से, तो वो हमको लिटाना हमको रिटर्न करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने रखा हुआ है तो वो तो उनको वापस मिलेगा ही नहीं, तो उनको भी डर रहता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि उनको कोई भी कोलेटरल जमा नहीं करना है, बिना कोलेटरल के मनी मिल रही है, तो वो बिल्कुल आसानी से वो लोन बांट सकते हैं, बिल्कुल निडर होकर या फिर कह लीजिए कि टेंशन फ्री होकर वो बांट सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में ये मददगार साबित होती है बैंक रेट। अब देखिए ये जो है एक तरीके से इसको पिनल रेट के रूप में भी यूज़ किया जाता है जो बैंक रेट होती है ये, क्योंकि कोई भी बैंक है तो यदि वो ले तो लेते हैं, लेकिन उनको पेनल्टी जो लगाई जाती है तो ये बैंक रेट का ही चार्ज लगाया जाता है उनको, तो जो कि है 4.6% है एट प्रेजेंट। तो ये चीज़ आप लोग समझना है इसको। अब देखिए आगे आपका है रिवर्स रेपो रेट है। तो ये देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि ये एक ऐसा रेट होता है कि जिनके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे RBI जो है वो मनी बोरो करेगा बैंकों से। इससे पहले आपने देखा था कि जो भी बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो सब मनी लेते हैं RBI से। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होगा कि जो RBI है वो पैसे लेगा बैंकों से लेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो RBI है ये क्यों पैसा लेता है बैंकों के थ्रू, इसलिए कि ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके।
अब बैंकों से पैसा वो इसलिए लेगा यहाँ पे कि यदि मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है, जिसके चलते महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, अपना मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे रिव्यू करेगा, यानी कि रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो इसके चलते क्या होगा यहाँ पे कि जो बैंक है, जो पैसे जो कि देंगे आरबीआई को, अब वो महंगे रेट पे देंगे। तो जब वो महंगे रेट पे देंगे तो अब यहाँ से क्या होगा, उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, और जब पैसे कम हो गए तो लोन जो बांटते हैं पब्लिक को तो वो भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आएगा कि जैसे यहाँ पे तो आरबीआई पैसे ले रही है और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्यों आरबीआई को देगी? तो यहाँ पे देखिए एक इसके पीछे रीजन होता है कि जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही आरबीआई जो है वो बढ़ा दे, लेकिन आरबीआई से जो भी कमर्शियल बैंक जुड़े हुए रहते हैं तो वो सोचते हैं कि आरबीआई को पैसे देना बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है एज ए कम्पेयर टू पब्लिक को, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हम पब्लिक को दिया, फिर कोई एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्री कोई भी जब जैसे कोई बिजनेस ओनर बिजनेस मैन है तो यदि उनको देंगे तो वो डूबने का वहाँ चांसेस रहता है। लेकिन उनको पता है कि यदि हम कमर्शियल बैंक जो है जो भी है उनको पता है कि यदि हम आरबीआई को देंगे यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देंगे तो हमारा तो पैसा जो हम दे रहे हैं तो वो सुरक्षित रहेगा, वो तो हमको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब रिवर्स रेपो रेट पे जो भी रिजर्व बैंक है, तो जो कमर्शियल बैंक को पैसा वो लेती है यहाँ से, तो उसके ऊपर में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी उनको प्रोवाइड करती है, तो इस कारण से वो सिक्योर रहते हैं यहाँ पे कि जैसे वो उनका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल रही है तो वो तो उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए वो पब्लिक के देने के बजाय वो क्या करेंगे, वो बैंकों को जो भी बैंक है तो वो आरबीआई को देना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है, यदि हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट का, तो वह 4% है अभी करेंटली की हम बात करें तो। अब इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, यदि ये महंगा हुआ रिवर्स रेपो रेट तो इकोनॉमी के अंदर में पैसे क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। अगर ये कम होता है तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर में मार्केट के अंदर में पैसे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जो मतलब कि पैसे आएंगे इकोनॉमी के अंदर में, तो इसीलिए देखिए इसको भी घटा दिया गया है। अभी जैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रही है तो ये पहले ज़्यादा था, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है ताकि जो पैसे वो ले रहे हैं आरबीआई जो भी पैसे लेंगे उनसे, तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे लेंगे। तो अब इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे कि मार्केट के अंदर में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा लोन बांटेंगे जो भी बैंक है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा आरबीआई को नहीं देना पसंद करेंगे, वो पब्लिक को देना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है इन्फ्लेशन को। तो ये सारे जितने भी टूल्स हैं, मेजर्स है, जो भी पॉलिसी रेट का हो गया या फिर जो रिजर्व रेशियो का हो गया, तो ये मेजर ही होता है कि ताकि हम मार्केट को कंट्रोल कर सके या फिर उसमें जो प्राइस इंक्रीजमेंट हो रही है या फिर डिक्रीमेंट हो रही है तो उसको मेंटेन कर सके। तो इनका मकसद ही होता है कि प्राइस को स्टेबल करके रखना मार्केट के अंदर में। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का। तो देखिए ओपन मार्केट का ये मतलब होता है इसका कि यहाँ पे आरबीआई जो है कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन का। ये एक टूल होता है उनका कि जिसमें कि जो जो सिक्योरिटीज होते हैं बैंकों को वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे और सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मार्केट के अंदर में उतार देंगे। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होते हैं तो वो पब्लिक के लिए भी वो ओपन करके रख देते हैं, कोई भी चाहेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है, आप भी परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और सिंस ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं तो इस कारण से ये सिक्योर भी होता है। यदि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं आप, तो जो भी अमाउंट पे आपने परचेज किया तो आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा बाद में, क्योंकि उसका उस सिक्योरिटीज का बाद में उसका जैसे प्राइस इंक्रीमेंट होगा आप उस समय उसको बेच दीजिए तो आपको प्रॉफिट भी होगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो सबको भरोसा होता है कि ये तो कभी डूबेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है। तो इस तरीके से इससे भी क्या होता है कि जो आरबीआई है इसके थ्रू भी वो क्या करेगा यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकेगा। यहाँ पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो ओपन कर देता है यानी कि बेचने के लिए, तो इसमें कोई भी ये को परचेज कर सकता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करना है इसको कि जैसे रेपो रेट है तो इसको हम लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ये याद रखना कि जैसे जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था तो ये उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा दिया गया था। तो बाई मंथली देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू जो है ये होते रहती है, तो ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो उर्जित पटेल की कमेटी के द्वारा दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसको। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए आपका इकोनॉमिक्स का जो भी मेजर पोर्शंस थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमने फिनिश कर दिया है आपका। अब इसके बाद जो होगा आपका तो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा तो वो हम लोग देख के स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग
अच्छे से स्टडी कीजिए और हमारे वीडियो को भी शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के अमंग। और हमने देखिए इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी अपना करते रहिए और हम भी आपके साथ बने हुए हैं। आपका एग्जाम तक हम पूरा आपका कंप्लीट करा देंगे, जो भी और भी सिलेबस है जीके का पोर्शन में जो भी दिया गया है। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।